नमस्कार दोस्तों, बिहार की पावन धरती पटना के नौबतपुर के तेरेपाली मठ प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वही पावन धरती है जहां पर बीते 13 मई से आने वाले 17 मई तक हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के जरिए हनुमंत कथा सुनाई जा रही है। और आज है 16 मई और कल आखिरी दिन होगा और इस समय कथा चालू है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाखों की भीड़ है, पहले के मुकाबले कम भीड़ हुई है। चलिए हम आपको कथा प्रांगण तक लिए चलते हैं और वहाँ की हर एक चीज से रूबरू करवाते हैं। ये फर्स्ट पंडाल है, इसके बाद मिडिल पंडाल है, ठीक उसके बाद जो है थर्ड पंडाल है। और पहले के मुकाबले धीरे धीरे भीड़ जो है काफी कम होने लगी है। खैर कोई नहीं, क्योंकि बाबा ने आह्वान किया था कि जो लोग भी आसपास से देख रहे हैं वे कृपा करके टीवी पर ही देखें और यहाँ पे आकर के यहाँ की जो अव्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें शामिल ना हो। धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ता है और शायद हमारे जो गुरुजी हैं बागेश्वर धाम सरकार समय से पहले आज कथा जो है समाप्त कर चुके हैं और यही वजह है कि LED प्रोजेक्टर जितने भी हैं सबके सब जो है बंद हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण है कि अगर रात्रि 7 बजे कथा की समाप्ति होती है तो जो ट्रैफिक समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए सवेरे बंद कर दिया जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है। क्योंकि बाकी दिन जो है कथा 7 बजे समाप्त होती है और आज 6 बजे ही समाप्त हो गई है और कल आखिरी दिन है। तो चलिए मिलते हैं एक नए धार्मिक स्पेशल ब्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।